ये बहुत ही टेस्टी होती है, खाने में बहुत प्यारी लगती है। यानी कि ऐसे खाओगे तो मजे कुछ और आवाज। पहली बार जनाब मैं यूपी में आया हूँ, इस मौसम में बारिश तो नहीं होती है ना कभी। भाई ने पतीले बहुत चाटे आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ भाई। नए राउंड के साथ, नई वीडियो के साथ आपके गफ़ार व्लॉग्स में स्वागत है। पहली बार जनाब मैं यूपी में आया हूँ। यूपी में मेरे एक दोस्त की शादी है तो वो अटेंड करने आया हूँ। आज कह रहे हैं कि वलीमा है। मैंने मैक्सिमम जगहों पे देखा है, जो हमारी जगहें होती हैं वहाँ पे शादी के बाद जो वलीमा होता है वो दिन को होता है, लेकिन मैंने पहली बार सुना कि शाम को होता है वहाँ पे, यहाँ पे होता है। शाम को कैसे होता है, क्या होता है, क्या खाना बनाते हैं, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको बता रहा था कि मेरी एक्साइटमेंट आज पूरी पीक पे है। रीज़न ये है कि फ़र्स्ट टाइम मैं यूपी में एंट्री करी है। जहाँ पे रुका हूँ दोस्त के पास वो भी तो यूपी है, लेकिन मैन यूपी यहाँ पे मैं रामपुर जा रहा हूँ। ट्रोनिका से आई थिंक 3-4 घंटे का सफ़र है, 200 किलोमीटर हमें सफ़र तय करना है। मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं जिनके पास मैं रुका हुआ हूँ, वो भी मैं दिखाऊँगा कौन सी गाड़ी है, क्या है, सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो चलिए वीडियो की करते शुरुआत। अच्छा भाई साहब, मैं हम सरहद में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो रामपुर की सरहद है, रामपुर और मुरादाबाद खत्म हो चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं रामपुर। मेरे साथ है मेरे साथी, मेरे दोस्त खालिद भाई, हमेशा की तरह आप इनको जानते हो। नए भाई है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? राइस अहमद। मास्टर राइस अहमद। मास्टर राइस अहमद है। और ये है हमारे साथ हमारे हीरो अब्दुल्ला भाई और बलवीर भाई। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम, जैसे कि पहले आपको बताया कि हम शादी में जा रहे हैं, हमारे एक दोस्त की शादी है वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में कुछ डाउट आ रहा है, मैं खालिद भाई से पूछूंगा, वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। हमारी शादी में मैक्सिमम ये होता है कि शादी दिन दिन को होती है, रात को बस फैमिली के बंदे होते हैं तो चले जाते हैं। अभी हम वलीमे के लिए जा रहे हैं। वलीमे के लिए जा रहे हैं। हमारा वलीमा भी दिन को होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम देखेंगे रात का वलीमा कैसा होता है, क्या क्या होता है। रात को वलीमा होता है यहाँ पे? रात को वलीमा होता है। अच्छा, फिलहाल ये गेट आपको हमारे पीछे दिख रहा है, यहाँ से एंट्री होती है रामपुर, यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसके भी ऊपर लिखा हुआ है बी अम्मा गेट नगर पालिका परिषद रामपुर। परिषद रामपुर, तो यहाँ से रामपुर शुरू है। अपनी अम्मा के नाम की यादगार में बनवाया है। अच्छा, आजम खान कौन है? आजम खान यहाँ के सांसद हुआ करते थे, अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं है, उन्होंने बनवाया ये यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा सा सफर रह गया हमारे पास, 15-20 किलोमीटर, तो हम वहाँ पहुँच के ही आपको मिलते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हजरत भाई की शादी, उनका नाम हजरत है जिनकी शादी है। और अभी मसला ये हुआ कि यहाँ पे हम उनको सरप्राइज देना चाहते थे, सरप्राइज हमारा मिस इसलिए हो गया कि खालिद भाई को एक्साइटमेंट रुकी नहीं पाई। एक बंदे को देखे, किसके? चंद्रपाल को देखा? ना ना ना, जिगरान को। जिगरान को देखे, खालिद भाई का वो कंट्रोल नहीं हुआ एक्साइटमेंट, तो इन्होंने उसको बता दिया कि हम आगे, फिर उन्होंने फोन करके आगे बता दिया कि हम पहुँच गए। दूल्हे राजा हमारे खालिद भाई बने हुए आज। हमारा भाई दूल्हा। तो बारिश बंद हो गई है, बहुत सारी भीड़ हो गई है, खाना वगैरह चल रहा है। मैंने तो खाना नहीं खाना है, खालिद भाई खा चुके हैं। अच्छा, तुमने खाना नहीं? मैंने नहीं खाना। अच्छा, अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। हमें पहले, हम दोनों ने इसलिए कहा है कि हमें लगा कि बारिश आ जाए तो क्या पता हम खाना भी ना खा सके, ऐसे ही भाग जाए, तो हमने सोचा सबसे पहले हम खा ले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमें बिठाया गया, हमें खुद आके वहाँ पे खाना दिया गया, रिस्पेक्ट करी हमारी, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि ये खाना वाना क्या होता है यहाँ पे यूपी की शादी में। सबसे पहली जो वैरायटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सर, ये क्या है? रोटी? नान। नान? नान रोटी। अच्छा, सबसे पहले रोटी यहाँ पे तैयार हो रही है। सही, आप सिर्फ रोटी बना रहे हो? जी जी, और अंदर में रोटी बना रहे हैं। ओके, वाओ, सबसे पहले ये रोटी जो कि हमने खाई। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड पे टेबल्स भी लगे हैं, वहाँ पे भी बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी खड़े होके खाना खा रहे हैं ये लोग। ये खड़े स्टैंडिंग सिस्टम है यहाँ पे इनका, ऐसा रहता है। खाना चल रहा है? कितना खाया अभी तक? अभी अभी आया। कितना टाइम लगेगा? और हो गया अपना? अपना हो गया? आपने खा लिया? हाँ, मैंने खा लिया। और खा लेता बस, थैंक यू। तो ये कुछ है यार, ये बड़ा अच्छा सिस्टम देखा मुझे यहाँ पे। ये भाई खा रहा है। ये है जी मीठा जर्दा, मीठे चावल। और ये बिरयानी, बिरयानी चिकन। ओके,
आपने क्या क्या खाया? हमने ज़्यादा सामान नहीं खाया। ज़्यादा नहीं खाया भैया? ये कौन सा चिकन होता है? ये वाइट कोरमा। चिकन स्टू। चिकन स्टू, ओके। ये है जी चिकन स्टू। पता है आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं भाई, कुछ नहीं कर सकता, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट वैरायटी है हमारे पास। बड़े भाई ये क्या है? चिकन काली मिर्च। चिकन काली मिर्च, ये है जी चिकन काली मिर्च। अभी मैंने खाना तो खा लिया, अभी और मन कर रहा है इसको उठा के मैं खा लूँ, लेकिन क्या करूँ, लोग भी देख रहे हैं और दूसरा हाथ में कैमरा भी है। ये आगे जी पूरी। अरे यार इसका पेपर कहाँ है? कौन सा चिकन है ये? पता नहीं कौन सा है ये जो लोग खा ही रहे हैं, हम भी खा ही रहे हैं। आप कह रहे थे अभी मैं आपकी हेल्प करूंगा, अभी बता नहीं रहे कौन सा चिकन है। बताओ भाई कौन सा चिकन है ये? है लाल चिकन। भैया कौन सा चिकन है ये? रेड चिकन। ये चंगेजी। चंगेजी, चंगेजी, चिकन चंगेजी। चिकन लाओ लाओ। चिकन चंगेजी। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट वैरायटी को लेके। क्या है, एक बंदा मुझे मिल गया, मेरा दोस्त। आपका नाम क्या है पहले? एमडी फैजान। है एमडी फैजान। एमडी फैजान जी, आई लव यू। आई लव यू टू। चलो आ जाओ। इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट वैरायटी, इधर दिखा दी, इधर इधर। ये है हमारे पास दाल। दाल है ये? उड़द। ओके। इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी है जी हमारे पास, ये है सब्जी। क्या सब्जी है ये? पनीर और मिक्स सब्जी है। मिक्स सब्जी है। गफार ब्लॉक्स। ये क्या भैया? रायता। रायता। ये है रायता। रायता, रायता, रायता। ये पालक पनीर। ये है हमारे पास पालक पनीर। ऐसे करो जरा, ऐसे बड़ा मज़ा आता है ऐसे ऐसे घुमाने में। आप लोगों को पानी आ रहा होगा मुँह में, मैं क्या करूँ। ये है हमारे पास वाइट राइस। अभी भी और बहुत सारी वैरायटीज हैं। और ये बच्चे बहुत तेजाई से सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। छोले पूरी। अरे टिक्की। छोले पूरी, टिक्की। और ये क्या बन रहा है? टिक्की है ना? ओके। ये बहुत ही टेस्टी होती है, खाने में बहुत प्यारी लगती है, यानी कि इसे खाओगे तो मजे कुछ और आएगा, स्वाद की बात ही कुछ और आएगी। ओके जी, थैंक। बारिश आ रही है। मुझे बताओ हमारे जो दूल्हे राजा है, उन्होंने हंडी तो नहीं चाटी? हंडी चाटी थी। हंडी नहीं, बड़े बड़े पतीले चाटते थे। बड़े बड़े पतीले। दबी दबी दबी। आपके पास रुकते हैं ना? हाँ, बड़े हमें जानते हैं ना, जो भी सारे पतीले लास्ट में आके हजरत ही चाटते थे। दबी दबी दबी। ये मशहूर है। पानी पूरी। ये सूजी वाले हैं, वो बिना सूजी वाले हैं। बिल्कुल, गोल गप्पे भी कहते हैं इनको। तो ये मैं लास्ट वैरायटी आपको दिखाने चाह रहा हूँ, और पता नहीं और वैरायटी मिलेगी यहाँ पे, नहीं मुझे दिख रहा है ना। तो ये है हमारे पास फ्रूट चाट। फ्रूट चाट भी लास्ट पे इन्होंने रखा हुआ है। ये है खरबूजा। ये है हमारे पास वाटरमेलन, एप्पल, नो बनाना, एप्पल और वाटरमेलन। तो तकरीबन जितनी वैरायटीज थी मैंने आप लोगों को दिखा दी। दोनों भाई भाई लग रहे हो? नो नहीं। आपकी शादी का प्लान क्या है? वही शर्मा आ गया, मुंडा शर्मा आ गया। आपकी शादी का प्लान कब है? अभी तो आप करोगे ना पहले? मेरी तो डन है भाई, हो गई हुई है। हाँ तो हमें कब बुला रहे हैं? मेरी हो गई ही है। हो गई। अच्छा, आप किस लिए बुलवाना है? मैंने आपको अभी आप क्या खा रहे? ओके, यू आर वेरी स्वीट। तो हो जाए वो दो लाइंस। दो मूंगफली फ्री में खाना है। दो मूंगफली फ्री में खाना है। हमारे दूल्हे राजा जिनका वलीमा है आज, हमें आने से, हमें छोटा सा एक क्वेश्चन है हमारा। हाँ। हम आए यहाँ पे, इस मौसम में बारिश तो नहीं होती है ना कभी? मैं कह रहे थे, खालिद भाई कह रहे थे कि अपने पतीले बहुत, हजरत भाई ने पतीले बहुत चाटे। अच्छा जनाब, शादी हो गई खत्म, और मैं और मेरी टीम जितने भी बंदे थे ये सारे आप एक बार देख सकते हो, सब सोने की तैयारी हो चुकी है। और हम यहाँ पे एक हमें खालिद भाई की जान पहचान के, तो बस आज का दिन यही था। यूपी की शादी मैंने दिखाई आपको, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है सब आपको मैंने दिखाया। मैं मिलता हूँ कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान। और इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं, उनको दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।